चल दानियाल शूट करते हैं। अबे नहीं भाई नहीं, तुम बहुत मारते हो। मैं नहीं पिटूंगा। अरे यार मार तो तुझे खानी पड़ेगी ना, लोगों को सिखाना जो है। यार कर ले यार, आ जा यार, चल आ जा। अच्छा यार मारो यार, आओ यार आओ यार। तो रेडी है? आराम से मार। एक मिनट। सैनिटाइज कौन करेगा? अम्मी ने बोला बिना सैनिटाइज के किसी को टच नहीं करने देना है, कोरोना बहुत फैल रहा है। हाँ हाँ मार भी, मैं कहूँ सैनिटाइजर भी मिला शादी में, अपना निकालो। पकड़ करीब ये बात, टाइम नहीं वेस्ट कर, जल्दी कर, आराम से मारना, बहुत लगती है, प्लीज बहुत लगती है। वेस्ट कर, जल्दी कर। रुक क्यों गए? कोरोना है ना, सैनिटाइज कौन करेगा? चल लाओ दो सैनिटाइज, दो करूं, लाओ जल्दी करना। अच्छा रहा, कर रहा हूँ। ये लो मारो, मारो पकड़ो, चलो। अबे भाई मैं नहीं खेल रहा यार, बहुत मारते हो यार। मैं नहीं खेल रहा। अरे बात तो सुन, अबे फाइट तो पूरी करके जा, अबे सिखाना भी है लोगों को। अबे भाई ये तो हो गया है नाराज, अब क्या सिखाना था वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अरे सुन तो ले मेरी बात। अरे यार यार आ जा यार। तो गाइस क्या हाल चाल है, इसको मना के लेकर आ गया हूँ। असल में आज जो चीज़ सिखानी थी ना, वो हम फाइट सीन में कर नहीं सकें सिर्फ इसकी वजह से। आज की जो हमारा लेसन था वो है चुदान सोतो की, यानी आउटर कट ब्लॉक, जो कि मिडल ब्लॉक भी जिसको कहते हैं। और ये आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की जाती है और इसकी बेसिक टेक्निक्स क्या है। तो गाइस आउटर कट ब्लॉक क्या है? चुदान सोतो की, जिसको जैपनीज में हम कहते हैं, इसकी जो बेसिक है वो ये है कि आपने अपने हैंड्स को अपने कान के पास रखना है लाइक दिस, दूसरा हाथ आपने चैम्बर में रखना है जिस तरह हमेशा हम ब्लॉक्स में करते हैं। आपने इसके अपनी बॉडी के बाहर से लेकर आना है एंड देन मिडल पे ब्लॉक करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा शोल्डर हाइट और इस ब्लॉक की हाइट सेम होनी चाहिए, यानी पंच की हाइट और शोल्डर की हाइट सेम होनी चाहिए। इसी तरह आप सेकंड पोजीशन इस तरह लेंगे एंड देन ये आप ब्लॉक करेंगे। ये है इसकी बेसिक्स, इसको मैक्सिमम आपने करना है 10 times right 10 times left करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो थी बेसिक, अब एडवांस क्या है? एडवांस के अंदर जो हम करते हैं वो हम ब्लॉक को यहाँ से नहीं लाते हैं, हम ब्लॉक को बिल्कुल शोल्डर के हाइट पे ही पंच को रखते हैं और यहीं से ही हिट करते हैं लाइक दिस, और बिल्कुल पावर के साथ हिट करते हैं ताकि अगले बंदे को लगे तो उसे फील भी हो और आप उसका अटैक ब्लॉक भी कर सकें लाइक दिस। ये देखें, ये आपका ब्लॉक होगा, देन दिस दिस एंड देन दिस। आपने इसको भी 10 times right and left करना है और उसके बाद आपकी ये ब्लॉक परफेक्ट हो जाएगी। तो गाइज ये कहाँ पे यूज़ होती है फाइट्स के अंदर, या आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो ये ब्लॉक कहाँ काम आती है? दानियाल इधर आना यार, एक टेक्निक सिखानी है। जैसे कि दानियाल मुझे कर रहा है मिडिल पंच लाइक दिस, इसने ये किया मिडिल पंच, आपने इसे ये ब्लॉक करना है ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ काम आता है लाइक दिस, अभी आप देखें कैसे मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ स्पीड के साथ। इसमें लगती भी है, वजह ये है जब आपकी ब्लॉकिंग कर करके कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है लाइक दिस, ये वाली जगह आपकी स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर आप किसी को भी जब ब्लॉक करते हैं इसका तो उसको बहुत हर्ट होता है, चाहे वो लैग हो चाहे वो उसका पंच हो। तो गाइज़ आपको ये ट्रेनिंग समझ में आई होगी, अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे मैसेज करें, या इंस्टा पे जाके मैसेज करें, बहुत सारी जगहों पे मैं मौजूद हूँ तो कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।